हरे कृष्ण हरे राम से झूम गया जहानाबाद शहर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जहानाबाद में इस्कॉन मंदिर के सौजन्य से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। स्थानीय गांधी मैदान में रविवार दोपहर 2 बजे भव्य रथ के ऊपर विराजमान होकर श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु पूरे जहानाबाद शहर में भ्रमण करने को निकले। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी को भी रथ के ऊपर स्थापित किया गया था। शहर के वरिष्ठ व्यक्ति और इस्कॉन गया मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश श्याम दास, IIT के प्रोफेसर श्रीमान साधु रमन दास की उपस्थिति में रथ के ऊपर विराजमान ठाकुर जी की आरती की गई। श्रीमान जगदीश श्याम दास ने कहा कि कलयुग में सभी को परम आनंद देने के लिए कृष्ण श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में और बलराम श्रीमान नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और पूरे विश्व में संकीर्तन का प्रचार किया। ये गौरनिताय रथ यात्रा निकल रहा है जो कृष्ण बलराम जी का रथ है और अभी गौर पूर्णिमा को प्लस पे ये निकाला जा रहा है और अभी हम लोग यहाँ से स्टेशन से थोड़ा सा चौक पे जाएंगे, चौक से फिर रिटर्निंग होते हुए फिर वापस जाने के लिए पास स्टेशन निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है? शांति सद्भावना। ये कृष्ण महानवृत यानी सनातन धर्म का प्रचार के लिए। अच्छा, उसी के लिए सनातन जी। कहाँ से निकाले हैं जी? हम लोग गांधी मैदान से निकाले। अभी क्या नाम हुआ जी? मेरा सेवा शमुदास। कलयुग के लोग मंदिर नहीं जाते हैं तो भगवान दया करके रथ में विराजमान होकर दर्शन देने रास्ते में निकल जाते हैं। 35 फीट ऊंचा रथ फूलों से सजाया गया था। रास्ते में जगह जगह रथ के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई थी। पूरे रास्ते श्रद्धालु हरे कृष्ण हरे राम गाते निकलते दिखे। रथ गांधी मैदान से हॉस्पिटल मोड़, बस स्टैंड, अरवल मोड़, फिर बस स्टैंड और अरवल मोड़ हॉस्पिटल मोड़ होते हुए होरिलगंज तक पहुंची। 2 बार 56 भोग अर्पित किया गया। रथ पहुंचने के बाद आरती भी की गई और सबको महिला थाना के निकट प्रगति इंटरनेशनल स्कूल में भंडारा कराया गया। बता दें कि महिला थाना के पास ही इस्कॉन केंद्र खुला है जहाँ भगवद गीता पढ़ाया जाता है। जहानाबाद न्यूज़ के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट।